नमस्कार, मैं हूँ सीमा गर्ग, आपके लिए लाई हूँ एक नई वीडियो माइग्रेन पर। आप मेरी वीडियो देख चुके हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज के साथ मैं आपको बीमारियों से लड़ना सिखाती हूँ। तो ये पूरी वीडियो आपकी माइग्रेन के बारे में बताया जाएगा, कैसे माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है, फीमेल मेल, ये सब कुछ, और इससे बचने के उपाय यानी कि एक्सरसाइज, और सिंपल आसान बिल्कुल एक्सरसाइज जो आपको आराम देंगी और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो पहले मैं माइग्रेन बता देती हूँ कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन हमारा एक तरह का सिर का दर्द है, जो कि कई लोगों को आधे हिस्से में होता है सिर के, यहाँ तक सिर्फ इस नसों में, और किसी को इस तरफ, और किसी को पूरे सिर में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आधे में ही हो, पूरे में भी होता है, और ये नसों का सिर का दर्द है जो बिल्कुल जल्दी से शांत नहीं होता है। इसको करने के लिए ये एक तरह का सिर का दर्द है, मैंने आपको बताया ये टाइप है एक सिर के दर्द की, बहुत देर तक जो हमारे बॉडी में रहती है। जो इसके पेशेंट होते हैं, कई बार उनको बहुत समय लग जाता है ठीक होने में, यानी कि 24 घंटे से ऊपर भी लग जाते हैं, 36 घंटे, 48 घंटे, रात और दिन उनको हेडेक रहता है, जो कि वेरिएशन के साथ होता है। कभी कम होगा उनकी इंसिडेंस, कभी ज्यादा गहराई से दर्द होगा, कभी तेज हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। उसके लक्षण होते हैं नोशिया, यानी कि कई बार हमें लगता है कि वोमिटिंग आ रही है और आएगी नहीं, और कई बार बहुत सारी वोमिटिंग भी हो जाती है। जरूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, हेडेक होगा, रुक रुक के होगा, कभी ठीक लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, पर दर्द इतना भयानक होता है कि टॉयलेट करना बहुत मुश्किल होता है, और एलोपैथी से कहें तो किसी टैबलेट से आराम नहीं आता है, आता है तो बहुत देर में आता है, जैसे ही दर्द हो तभी लेना पड़ता है। यदि हमें टैबलेट लेने में देर हो जाए तो वो दर्द बढ़ता चला जाता है, रुकता ही नहीं है, वो ट्रिगर हो जाता है। तो अब हमने माइग्रेन को हमने सिम्टम समझ लिए। इसका कई बार तो ऐसा होता है महीने में कम से कम बस 10-10 दिन हम ठीक रहते हैं, और 21 दिन माइग्रेन का अटैक हमें पड़ता रहता है। अटैक में मैंने बता दिया, वोमिटिंग भी होती है, नोशिया भी रहता है, हेडेक तो है ही है, आंखें ही नहीं खुलती हैं, मेन चीज हमारी आंखें नहीं खुलती है, आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। अब आवर्स बता दिए, अब हमने बता दिया कि ये एक तरह का सिर का दर्द है। अब मैं बताती हूँ कि ये इसको सबका अपना अपना ट्रिगर पॉइंट होता है। जरूरी नहीं है कि हमको एक वजह से हो, दूसरी वजह से हो, सबके अलग अलग वजह होती है। हर एक पेशेंट को अपना फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें का सिर का दर्द क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे ही हमारा रूटीन चेंज हुआ, हमारा जो भी रूटीन है उससे चेंज होगा, तो हमें माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है, यदि हम माइग्रेन के पेशेंट हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, हमें एसी में रहने की आदत नहीं है, हम एसी में चले गए तो हमें हेडेक हो जाएगा। जिन्हें बिना एसी की आदत नहीं है उन्हें बिना एसी रहना पड़ेगा तो उन्हें गर्मी लगेगी, उनको हेडेक हो जाएगा, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, लेडीज में ज्यादा पाया जाता है ये माइग्रेन, जेंट्स में कम है, उनको भी हेडेक होता है पर उनका इतना लॉन्ग आवर नहीं रहता है, हमें ज्यादा देर तक रहता है। दूसरा कारण, छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमें सिर को धोने की आदत है, लेडीज को सुबह की आदत है, 9 से 12 हमें आदत है, और हमने उसको शाम को धो लिया, हमें हेडेक हो जाएगा, ये कारण है। हमें घर में रहने की आदत है, हम बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं, और आज हमें बाहर जाना पड़ गया, बहुत सारे लोगों से गैदरिंग की आदत नहीं है, हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ गया, तो हमें माइग्रेन हो जाएगा, कदर शुरू हो जाएगा, ये हमारे ट्रिगर पॉइंट है, और जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ट्रिगर पॉइंट जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, हम अवॉइड करेंगे कब तक करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा। करना, नींद में बोलना, जैसे ही हमारी आंख लगने वाली है, नींद आने वाली है और उसमें कोई बोल पड़े तो हमें हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने आवाज दी, हमें हो जाएगा। हमें नींद आने वाली थी जो कि नहीं आई, यानी कि हमें आराम मिलने वाला था, हमारी आराम में बाधा आ गई, तो हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये मैंने उदाहरण बताए बहुत सारे आपको, इसमें से आपको कोई भी हो सकता है, उस ट्रिगर पॉइंट को पहचाने कि आपको हेडेक का, माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट है क्या आपका, तो आप उसको पहचान लेंगे तो आपको ठीक करने में भी आसानी होगी। आप उसको अवॉइड थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, पर आपको शायद करना ही पड़े वो काम,
तो आपको अवॉइड हो जाएगा। तो उसका आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा इस आसन से आपको यह हेल्प करेगी। दूसरा, इसमें हमें आवाजें दुगनी चौगनी में सुनती हैं, यानी कि जो आवाज हमारी हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में उससे दुगनी आवाज हमें उसकी सुनती है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ हमारे कान में बोला जा रहा है, हमारे सिर में बोला जा रहा है, उससे हमारा सरकदन बढ़ता है। हमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं अच्छा लगता है, हमें बहुत चिड़चिड़ापन आता है उससे और बहुत गुस्सा आता है जो भी शोर कर रहा है। मन करता है सबको हटा दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम कह सकते हैं कि धीरे बोलिए, हमें दर्द हो रहा है, या आवाज कम करिए, पर जरूरी नहीं है कि सब इस चीज को समझें। यानी कि हमें टॉयलेट भी करना पड़ेगा नॉइस पोल्यूशन। और लाइट, हमें लाइट इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारा मन करता है कि लाइट हम बंद करें और हम लेटे रहें, आराम मिलता रहे, हमें कोई भी काम नहीं बताया जाए। जैसे ही हमें काम बताया जाएगा या लाइट ऑन होगी, हमारा सिरकदर बढ़ जाएगा। तो माइग्रेन को समझने की देरी है। माइग्रेन बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, पर ये समझना पड़ेगा कि हमें किस चीज से हो रहा है। लाइट और शोर दो चीज इसके ट्रिगर पॉइंट है, और होने के बाद ये बिल्कुल भी टॉयलेट हमसे नहीं होते हैं। कई लोगों को पानी के नल की आवाज भी सुनाई देती है, यानी कि माइग्रेन हमें हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ नल चल रहे हैं और पानी उसमें से बह रहा है, हमें बंद करके आना है, जबकि ऐसा नहीं होगा। जब हमें बहुत दिन तक लगातार माइग्रेन रहता है तो ये नल सुनने वाली भी आवाजें हमें सुनाई देती है। यदि आप इसकी प्रीमियर स्टेज पे हैं, यानी कि आप अभी आपकी स्टार्टिंग है माइग्रेन की, आपको बहुत कम देर के लिए होता है, तो आप इसे जल्दी से ठीक कर लीजिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इन आसनों की हेल्प लीजिए। इन आसनों की हेल्प से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप दूसरे को बदल नहीं सकते, इसलिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं माइग्रेन को ठीक करने के लिए। हमारी क्षमता इसमें बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान रहे, इसमें हमें खुशबू भी ज्यादा आती है, कई बार ऐसा लगता है ये खुशबू हमें माइग्रेन का अटैक ला देगी। तो आप इस चीज को समझते, या हार्मोन्स के इम्बेलेंस भी माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते। वो हमारी बॉडी में है और उससे इम्बेलेंस हो रहा है तो हमें माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है। एक चीज और, मैंने बोला फीमेल में इसकी माइग्रेन की जो संभावनाएं ज्यादा रहती है इस बीमारी की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज और, लैक ऑफ स्लीपनेस, यानी कि हम यदि ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो भी माइग्रेन हमें होगा ही होगा, यदि हम माइग्रेन के पेशेंट है, या हमारे को माइग्रेन होने वाला है हमारी बॉडी में, या माइग्रेन के पेशेंट बनने वाला है। यदि हम लगातार अपनी नींद को अवॉइड करते रहेंगे, हम टाइम पे सोएंगे नहीं, रिलैक्स नहीं करेंगे अपने आप को, तो भी माइग्रेन होगा। तो यानी कि माइग्रेन का इलाज हमारे पास एलोपैथी में नहीं है। इंजेक्शन भी लगवाते हैं लोग, पर वो एक गैस के लिए और एक आपको दर्द के लिए, उसका ट्रीटमेंट माइग्रेन का आपका नहीं है। आपको कुछ देर के लिए कुछ टेबलेट दे दी जाएंगी, पर वो आपको आराम नहीं करेंगी। तो इसका इलाज आपका आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, या आप आसनों के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा इनको ठीक कर सकते हैं, और बहुत आसान है इसके आसन। तो दूसरा जो वीडियो आप मेरा आएगा माइग्रेन में, माइग्रेन के आसन के बारे में आएगा, यानी कि उसका ट्रीटमेंट, और बहुत 100% श्योर हूँ कि आपका माइग्रेन एक महीने में इससे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको सरदर्द होगा ही नहीं। एक और एग्जाम्पल है जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है, यानी कि चाय। आपको सुबह चाय लेने की आदत है, आप चाय नहीं पियेंगे तो मुझे हेडेक होगा ही होगा, वो हेडेक बढ़ता उस दिन आपको लगेगा एक घंटे के लिए सरदर्द हो रहा है, दो घंटे के लिए, धीरे धीरे वो माइग्रेन में फॉर्म हो जाएगा। यानी कि कोई भी टेबलेट आपको इससे आराम नहीं करेगी। माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट होता है गैस। यदि हमें इनडाइजेशन है, खट्टी दकारें आ रही है, या हमें पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स है, ये भी आपको गैस बनाएंगे बॉडी में, एसिडिटी बनेगी। एसिडिटी बनने के कारण माइग्रेन होगा ही होगा, इसलिए इसके दो इंजेक्शन एलोपैथी में लगते हैं, पहले एसिडिटी का और फिर पेन किलर, यानी कि पेन के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है। यानी कि आप एसिडिटी को खत्म कीजिए तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। तो एसिडिटी खत्म करने वाले आसन आपको जो बताए जाएंगे आगे, वो आप कीजिए। और दूसरा वो कीजिए जो आपको पेन में आराम दे, आपकी नसों को सिद्धि शांत करें।
और माइग्रेन से आंखों का की ज्योति भी जाती है, आपको धुंधला भी दिखता है, बिल्कुल नजर में आंखें नहीं खुलती, बाल भी सफेद हो जाते हैं और बाल टूट जाते हैं बहुत लगातार जब हमें माइग्रेन कई सालों तक हमारी बॉडी में रहेगा, तो ये हमारे बालों को बिल्कुल सफेद कर देगा, हमारे बालों को तोड़ देगा, आपके चोगने से एक तिहाई बाल आपके सिर में रहेंगे ना के बराबर, बीच में से सिर आपका सारा खाली हो जाएगा माइग्रेन के अटैक। तो ये देख लीजिए, ये एक मन की और शरीर की मिलके बीमारी है जिसे हम स्वयं ठीक कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पहले एसिडिटी वाली एक्सरसाइजेस करें और फिर माइग्रेन की नसों को शांत करने वाली एक्सरसाइज करें, अपने आप को शांत रखें, खुश रखें, म्यूजिक सुने तो आपके माइग्रेन के अटैक कम होंगे, बहुत कम होंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपके माइग्रेन के अटैक आपके आने बंद हो जाएंगे। ध्यान रखें, जितना खुश रहेंगे माइग्रेन के अटैक आपको नहीं आएंगे। तो खुश रखने के लिए आप पहले एक ही काम कीजिए, पहले पेट को क्लियर कीजिए, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे तो आप आपके अंदर अशुद्धियां होंगी तो भी आपको माइग्रेन के अटैक पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि इसका दर्द सहन नहीं होता है, इंट्रॉलेबल होता है, इसका इलाज काफी जगह हो चुका है पर कहीं पर आपको एलोपैथी में इसका इलाज आपको पूरा नहीं मिलेगा। प्लीज ये अपनाएं आसन छोटे छोटे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और आपको बहुत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज को करने से। इन एक्सरसाइज को करेंगे आपको बहुत प्लेजेंट महसूस होगा, आनंददायक महसूस होगा, कोई भी पेन नहीं होगा आपकी बॉडी में। ध्यान रहे, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो थकावट आती है बल्कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जितने रिलैक्स होंगे आपको माइग्रेन में उतना ही आराम है। नियमित रूप से करें, एक डेढ़ महीने में आपको बहुत आराम महसूस होगा। बेस्ट एक्सरसाइज मैंने आपको माइग्रेन की सेकंड इससे आने वाले सेकंड वीडियो में बता रही हूं। मेरा यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लीज मेरे वीडियो देखते रहें। और ये याद रखें, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा क्या सावधानियां बरतनी है, आपको क्या चीज कम नहीं करनी, कौन सा आसन कम नहीं करना है। और यदि आप बीच में से कट करके देख रहे हैं तो आपका ही लॉस है और किसी का नहीं है, आप गलत तरीके से उस आसन को कर लेंगे और आपको लॉस होगा। यदि आप पहले से एक्सरसाइज जानते हैं तो आप नाम देखें फिर करें तो भी बेटर होगा, और यदि पूरी वीडियो को सुन लें तो उसके आपके प्रिकॉशंस, आपके बेनिफिट आपको अच्छे से मालूम हो जाएंगे और आप उस बीमारी को दूर कर पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज सारे वीडियो पूरे पूरे देखें, मेरे बीच में से काट के नहीं देखें, नहीं मेरा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ आपका लॉस होगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए ये ग्रेटफुल होगा, और इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, चैनल सब्सक्राइब की इट इज फ्री, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। तो प्लीज आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई लॉस नहीं है, और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा बेनिफिट है। प्लीज आपको कुछ भी बेनिफिट मुझे मेरी एक्सरसाइज या योगा से मिल रहा है, आसनों से मिल रहा है, मेरी वीडियो से मिल रहा है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।